नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। तो बिहार विधानसभा चुनाव का जो दूसरा चरण है उसका मतदान कल 3 नवंबर को होना है, लेकिन इसके अलावा तैयारी तीसरे चरण की भी है और तेजस्वी यादव लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। एक दिन में 15-15, 16-16 जनसभाएं वो लगातार कर रहे हैं ताकि राजद की सरकार एक लंबे अरसे बाद बिहार में फिर से दिखाई दे। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप वो सुपौल जिले के पिपरा विधानसभा क्षेत्र की है, जहां के निर्वली बाजार में तेजस्वी यादव ने राजद के उम्मीदवार विश्व मोहन कुमार के पक्ष में एक जनसभा की। इस जनसभा को ध्यान से देखिए और एक अनुमान लगाइए कि इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं। इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से भीड़, जिस तरह की ये बातें कही जा रही थी कि तेजस्वी यादव की जनसभाओं में बहुत भीड़ हो रही है, उसका एक उदाहरण है। क्योंकि इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्डिंगों पर भी आप युवाओं को देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं और तेजस्वी यादव का नारा लगाते हुए और उन्हें ध्यान से सुन भी रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव भी अपनी योजनाओं की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी पर लगातार हमला कर रहे हैं, और जो कभी बीजेपी कहती थी कि महंगाई डायन खाए जाए, उस पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि अब महंगाई इनकी भौजाई हो गई है। महागठबंधन से प्रत्याशी विश्व मोहन मंडल जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, वामपंथी दलों के हमारे नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मीडिया के दोस्तों, बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें और पीपरा के हमारे नौजवान युवा साथियों, सब लोगों को प्रणाम प्रणाम। पीपरा की महान जनता आपका है, बीजेपी के लोग आते थे। अब जब 100 रुपया किलो हो गया तो महंगाई डाई नहीं भावजाई नजर आ रही है। इसलिए ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि एक मौका, अरे अब ये बता दीजिए कंफर्म है कि नहीं है, अरे विश्वास मंडल जी को जिताना है ना। कोई फिक्र नहीं है, हम जानते हैं हमें अपने लोगों पर विश्वास है, जनता पर विश्वास है, एक मत होकर के सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होगी। आज गरीब लोग का कोई सुनवाई हो, कोई कार्रवाई होता किसी पे, जो हकीकत है किसी से छुपा नहीं है। इसलिए आप सब लोग तेजस्वी, आप लोगों से हाथ जोड़ करके एक मौका मांग रहा है। पिपरा की जनता एक मौका देगी, देगी तो हम भी ऐलान करते हैं। हमने भी नवरात्र में संकल्प लिया था, कलश बैठाया था कि पहला कलम से 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी। जो जोश और गर्मी है, इतना जोश मत की पिया की बटन टूट गया है। नहीं दाबिएगा तो आवाज करेगा। सब लोग होशियार लोग हैं, सब लोग चौकन्ने हैं, और सुबह सुबह अपने वोटरों को, बूथ एजेंट को, सब लोगों को मॉक पोलिंग का ध्यान रखवाइएगा। आपको बता दें कि सुपौल जिला के अंतर्गत आने वाला यह विधानसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आया था और 2010 में यहां पर पहली बार चुनाव हुआ था, जिसमें यहां से एक महिला प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अगर बात करें 2015 की, तो 2015 में जदयू, कांग्रेस और राजद के महागठबंधन में यह सीट गई थी राजद के खाते में और राजद से यदुवंश कुमार यादव ने यहाँ से चुनाव जीता था। लेकिन इस बार क्योंकि जदयू जो है अब बीजेपी के साथ है, तो एक बार फिर यह सीट राजद के ही खाते में है महागठबंधन की ओर से। लेकिन एनडीए के ओर से यहाँ पर जदयू ने रामविलास कामत को उम्मीदवार बनाया है। वहीं
2015 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने वाले विश्वमोहन कुमार को राजद ने इस बार प्रत्याशी बनाया है। हालांकि राजद की कब्जा है इस सीट पर अभी, लेकिन देखना यह है कि जब उम्मीदवार बदलता है राजद तो क्या जीत उसे दोबारा इस सीट पर मिल पाती है या नहीं। फिलहाल तेजस्वी यादव ने तो जनसभा करके यहाँ का जो माहौल है उसे अपने राजद के पक्ष में करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन जब मतदान होगा तो पता चलेगा कि जनता तेजस्वी यादव के बातों से और उनके योजनाओं से कितनी ज़्यादा प्रभावित हुई है। फिलहाल के खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।